हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमन तेवतिया। योर सेकंड लेसन इज द सुनामी। इट इज ऑन द पेज ऑफ 29। यू कैन सी पेज नंबर 29। रीड दिस पैराग्राफ। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोर्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो what was about to happen. They had to safety happen. अच्छा sorry. They fled to safety according to eyewitnesses accounts. Elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. And zoo animals rushed into their shelters and could not be and decide to come back out. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian coast killed more than 150,000 people in a dozen countries. But not many animals have been reported dead. ये आपने रीडिंग की, इस तरह से आप रीडिंग करेंगे इसकी। और अब मैं इसको लाइन टू लाइन आपको समझा देती हूँ, डिटेल में बता देती हूँ इसको। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, कि इंडिया और श्रीलंका के जो कोस्ट पर, कोस्ट में तट पर जो ये बड़ी बड़ी वेव्स थी, लहरें थी, बहुत ही पावरफुल वेव्स थी, जब उसे हिट की टकराने से पहले, इंडिया के और श्रीलंका के कोस्ट पर टकराने से पहले, इन वेव्स के टकराने से पहले, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जितने भी डॉग्स, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे और जितने भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स थे, उनको सबको ये फील हो गया था कि कुछ घटना होने वाली है, यानी कि भूकंप आने वाला है, कुछ अर्थ की इस तरह की कंडीशन बन रही है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, तो क्या हुआ, वो वहाँ से भाग खड़े हुए, तभी डोमेस्टिक एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, वो सेफ्टी के लिए भाग गए, यानी कि सुरक्षित स्थानों में भाग गए, यानी कि उन्हें फील हो गया था। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, तो जितने भी आई विटनेस अकाउंट थे, जिन्होंने अपनी आंखों से ये हाल देखा था या जिन्होंने ये कंडीशन देखी थी, उस समय मौजूद थे, उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड देन फॉर हायर ग्राउंड्स, कि एलिफेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया और हायर ग्राउंड पे भाग गए, हायर ग्राउंड पे चले गए, जो ऊंचे स्थान थे, सुरक्षित स्थान थे, वहां पर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स थे वो भी घर से बाहर नहीं निकले, दरवाजे से बाहर नहीं निकले, रिफ्यूज में मना करना, यानी कि उन्होंने भी घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। इट मीन्स कि डॉग्स भी घर से बाहर नहीं निकले। Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. Flamingo means bird. और जो birds थी, उन्होंने भी abandon का मतलब छोड़ देना, उन्होंने भी वो area छोड़ दिया, कौन सा, जो low-lying breeding areas था, जो प्रजनन क्षेत्र होता है, निचला प्रजनन क्षेत्र होता है, उस area को, उस क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया। कहने का मतलब कि जो birds थी, उन्होंने भी उस area को छोड़ दिया, वो भी वहाँ से चली गई। Animals भी चले गए, वाइल्ड एनिमल्स भी चले गए, डोमेस्टिक एनिमल्स भी भाग गए वहां से, और जो बर्ड्स थे वो भी वहां से चले गए।
एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर। वो जो जू एनिमल्स थे, जो जू में थे एनिमल्स, वो भी भाग करके अपने शेल्टर में चले गए। शेल्टर का मतलब जहां पे वो रहते थे उसी जगह पे चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और उन्हें किसी भी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका, उनको सिड्यूस नहीं किया जा सका, उनको बाहर नहीं निकाला जा सका, यानी वो बाहर निकले ही नहीं। मैनी पीपल बिलीव दैट सुनामी पजेसेस अ सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। बहुत लोगों का विश्वास है, ये मानना है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता होता है कि अर्थ कब हिलने वाली है, इट मीन्स कि अर्थक्वेक कब आने वाला है, भूकंप कब आने वाला है, उन्हें इस बात का पता चल जाता है, ऐसा लोग बिलीव करते हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, और वो से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, एक्यूट हियरिंग होती है, यानी कि सुनने की पावर बहुत होती है, और उनके जो अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, जो अर्थ के अंदर वाइब्रेशन है, जो तरंगे उठती हैं, उनको वो महसूस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, और ह्यूमन से पहले वो सारे की अप्रोचिंग का मतलब आने वाली जो भी घटना होती है, आने वाले जो डिजास्टर होता है, विपदा होती है, उसको ह्यूमन से पहले ही वो रियलाइज कर लेते हैं, यानी कि उन्हें पता चल जाता है पहले ही, यानी कि इट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स को नहीं पता चल पाता। ह्यूमन बींग को तो तभी पता चलता है कि जब वो कंडीशन हो जाती है, उनके अर्थक्वेक आ ही जाता है, उसी टाइम पर पता चलता है, तभी फील करते हैं वो, और जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पहले ही फील हो जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर whether animals have a sixth sense or not, तो हम ये श्योरली तो कह नहीं सकते, निश्चित रूप से तो कह नहीं सकते, श्योर नहीं है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है कि नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन डजन कंट्रीज। लेकिन फैक्ट ये है कि जब ये जायंट वेव्स, ये ऊंची ऊंची लहरें, ये भयंकर लहरें आई थी, कहाँ पर, इंडियन ओशियन पर आई थी, तो उसमें ज़्यादातर देशों के, यानी कि दर्जनों कंट्रीज के, जो 150,000 लोग उसमें मारे गए थे, 150,000 पीपल वर डेड। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा एनिमल्स के मारने की खबर नहीं आई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं मारे गए थे, या एनिमल्स ना के बराबर मारे गए थे, लेकिन हाँ लोग काफ़ी मारे गए थे इसमें, 150,000 पीपल मारे गए थे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी नेक्स्ट टाइम।